आज के फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म है, फिल्म का नाम क्या है और आप क्या किरदार निभा रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा अमरीश सिंह की तरफ से, जो कि मैं खुद बैठा हूं आप लोगों के समक्ष। और फिल्म का नाम है तुम्हारे प्यार की कसम, जिसके डायरेक्टर हैं सात भाई, जो कि बड़े ही अजीज और हमारे चहेते और जो कि शुरुआती दौर के डायरेक्टर हैं। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी बन रही है, इसमें काफ़ी लोग काफ़ी भूमिका की तौर पे निभा रहे हैं और बहुत ही शानदार काम हो रहा है, जो कि मैं आज सुबह से शूटिंग कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। पूरी टीम का धन्यवाद, जो कि काफ़ी वर्षों के बाद हम इस टीम के साथ एक फिल्म कर रहे हैं। आज के अपने किरदार के बारे में बताइए, देख के तो ऐसा लगता है जैसे बहुत मार पड़ी, कपड़े फटे हुए। जी बिल्कुल, जो हालत हुआ है तो इससे बिल्कुल ये लग रहा है कि जो विलन पक्ष है वो काफ़ी भारी है हीरो पक्ष पे, और मैं भी इसमें एक लीड करेक्टर कर रहा हूँ, और मेरा छोटा भाई कल्लू वो भी एक लीड में है, सत्येंद्र भाई भी हैं, अन्य लोग हैं संजय पांडे, करण पांडे। ये विलन पक्ष आज मुझे अकेले मेरे घर से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। अब आगे का दौर यही कहा जा सकता है कौन किस पे भारी है, वो तो वक्त ही बताएगा और पूरी फिल्म देखने के बाद लोगों के सामने समक्ष आएगा ही। फिल्म के डायरेक्टर साध कुमार जी हैं, क्या कहेंगे? जी मैं साध जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि मुझे भी नवाजा इस फिल्म के लिए, मैं ढेर ढेर उनको बधाई करता हूँ। और मैं उनके जो भी किरदार दिए हुए हैं उनको बेहद और ईमानदारी के साथ निभाना चाहता हूँ और दर्शकों को पसंद आएगा। और साथ भाई का मैं और भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इंडस्ट्री के सबसे शुरुआती दौर में मुझे कहा जा सकता है कि लाने वाले वही हैं जी। सर आज की इस फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है और आप इस फिल्म में किस तरह की किरदार निभा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको और दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी फिल्म है, फिल्म का नाम है तुम्हारे प्यार की कसम, और इसमें बहुत मेरे चहेते डायरेक्टर शाद जी हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनकी लड़की फरिया शाद है, अशरफ अली जो हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं वो इस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस फिल्म में मैं एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, जो काफ़ी ईमानदार और अच्छा होनहार इंस्पेक्टर है। कलाकार हैं हमारे जैसे संजय पांडे जी हैं, करण पांडे जी हैं, पायल पांडे जी हैं और अभिलाषा हैं, अमरीश सिंह हैं, इन्हीं पे बालेश्वर भाई हैं, समर चतुर्वेदी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं और कल्लू हमारा छोटा भाई है, निशा दुबे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत खुशी हो रही कि भाई काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा ही काम है। फिल्म के अन्य कलाकारों के बारे में बताइए कि कल्लू जी हैं, संजय जी इतने दिग्गज कलाकार हैं, उनके साथ में काम करके आप भी एक महान कलाकार कैसा लगता है? जी संजय पांडे जी, संजय भैया बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। अब मैंने अभी एक फिल्म किया था हम के दारू ना मेहरारू चाहिए, तो मैं हीरो था और रानी चटर्जी थी और संजय भैया विलन थे, मेन विलन थे, और बहुत मजे हुए और गुणी कलाकार है तो उनसे सीखने को भी मिलता है बहुत अच्छा। और कल्लू ताकि युवा बहुत अच्छा सिंगर है और अभी उभरता हुआ सितारा है, छोटा भाई है और अच्छा एक्टर है, तो सब किसी के साथ काम करने मज़ा आ रहा है। इसमें माया यादव जी हैं जो बहुत ही अच्छी और बहुत मतलब जितना भी कहूँ कम है उनके लिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत एक बेमिसाल है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मेरी माँ बन चुकी हैं देवरा पे मनोहर डोले में। अब मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ एक और परशुराम, उसमें भी मेरी माँ बन रही हैं और इसमें हमारी काकी बनी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके और मज़ा आ रहा है। और साथ जी जैसे ऐसे डायरेक्टर हैं कि कब कहाँ कैसे काम करा लेते हैं, और इसमें महानायक हमारे कुणाल भैया, बड़े भैया कुणाल सिंह हैं जो मेरे फादर के रोल में हैं, मेरी माँ के रोल में मेहनाज जी हैं, अच्छा लग रहा है, सब एक फैमिली है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके और मज़ा आ रहा है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपने? हाँ दर्शक लोग से हम यह कहे कि चाहे कि भाई हम आ रहा बानी तुम्हारे प्यार की कसम फिल्म लेके, और एक बाद आ रहा बा एक और परशुराम, और काफ़ी अच्छा फिल्म बा, हम काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहा बानी, रुआ सबके आशीर्वाद और प्यार चाहिए कि हम अच्छा कुछ करी, और फिल्म भी बहुत अच्छा बा, पूरा पारिवारिक फिल्म बा, और एक और परशुराम भी वो भी बहुत अच्छा फिल्म बा, वो कर प्रोड्यूसर ये है अशरफ अली भाई और टोकस जी और डायरेक्टर वरुण खाना जी बानी, तो बड़ा मज़ा आ रहा बा।
और काम करके, और हमारे साध भाई वो तो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि उनके साथ मैं अभी दूसरी फिल्म करने वाला हूँ, उसका अभी टाइटल नहीं बताऊँगा क्योंकि बताने में भी मज़ा नहीं आ रहा, और बहुत अच्छा काम कराते हैं और मैं खुश हूँ। संजय जी, आज की फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह के किरदार? तो हार्डकोर सोसाइटी का ही एक करेक्टर है जो लोग दिखावा करते हैं ऊपर से बहुत अच्छा बनने का और अंदर से बहुत ही बुरे इंसान होते हैं। बहुत करप्ट इंसान है ये, बहुत पावरफुल करेक्टर है नेगेटिव में। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बताइए। शाद भाई के साथ मैंने एक फिल्म की थी, दो फिल्म एक्चुअली कर चुका हूँ, दूसरी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, साजन का घर, एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, एक लैला तीन छैला, और कमाल के टेक्नीशियन है, उतने ही हम्बल डायरेक्टर हैं, सिनेमा की जानकारी है उनको, डिटेल पूरी फिल्म की पूरी तैयारी के साथ सेट पे आते हैं, एक्टर को पूरी फ्रीडम देते हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसा लाइन नहीं खींचते, किसी दायरे में रहना है, और हम जो करते हैं उसको बखूबी शूट करना जानते हैं। बाकी बात करें, आज जो किरदार आप कर रहे हैं और एक ट्यूनिंग अभी आपकी जो फिल्म जा रही है उसमें, आप जो फिल्में पब्लिक की नज़र में बन रही है आपका किरदार को लेकर, उसमें कितना अलग महसूस कर? एक्चुअली एक हर एक्टर की कोशिश होती है कि वो हर बार कुछ अलग करे, रिपीट करने पे मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि जो पानी जम गया है उसमें कीड़े पड़ते हैं, तो एक्टर को नदी की तरह होना चाहिए। एक किरदार जब बहुत पॉपुलर होता है तो लोगों को लगता है कि अगली बार वो वैसा ही करे, और यहीं एक्टर गलती करता है कि वो अपने किसी फेमस किरदार को रिपीट करने लगता है और एक्टर टाइप्ड हो जाता है। मैं टाइप्ड होने से डरता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि हर बार का किरदार नया हो, उसमें फ्रेशनेस हो। हम सोचें तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे हिंदुस्तान में नई हैं, इम्प्रोवाइजेशन है, तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मेरा हर किरदार पिछले किरदार से मिलता जुलता ना हो कहीं से। सर, इस फिल्म के बाकी किरदारों के बारे में बताइए। बाकी कल्लू जी हैं, निशा जी हैं, माया यादव हैं, करण पांडे हैं, सभी जितने अभिलाषा हैं, अमरीश हैं, सत्येंद्र सिंह हैं, जो भी कुणाल जी हैं इसमें लीजेंड भोजपुरी के, तो टीम शाद भाई ने इस फिल्म में बहुत अच्छी बनाई है। सारे अपने अपने मतलब मजबूत पिलर हैं, जो होता है कि एक जो आसपास के खंभे हैं वो सब अपने आप में मजबूत और दिग्गज कलाकार हैं। इससे सिनेमा में काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि कलाकार ही होता है जो स्क्रीन पे अपने कंधे पे लेकर फिल्म को आगे बढ़ता है, डायरेक्टर तो कैमरे के पीछे होता है, तो जो कैमरे के आगे वाली टीम है वो भी शाद भाई ने बहुत मजबूत टीम बनाई है, और उम्मीद है कि एक बहुत ही मनोरंजक और पावर पैक फिल्म बनेगी। चलते चलते संजय जी, बात करने की आपकी हालिया फिल्म रिलीज हुई राजा बाबू, उसमें आप जो गेटअप लिया है, एक आंख में आपने कुछ लगाया हुआ है, गेटअप वो आंख में लगा, उसका आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हुआ पूरा फिल्म? नहीं, थोड़ा सा अनईजी तो होता है क्योंकि आंख सबसे सॉफ्ट जगह है शरीर की, सबसे सॉफ्ट आँख होती है, उस आँख के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो तकलीफ तो होती है, बट वही मैंने कहा कि थोड़ा सा किरदार को अलग करने की कोशिश में, कि वो करेक्टर बहुत ही लुच्चा लफंगा टाइप का करेक्टर था, वो कोई डिग्निटीफुल वैसा विलन नहीं था, गांव का एक टपोरी है डमरू चौबे, जिसका एक ही काम है कि दूसरे के फटे में उंगली करना, उसको कोई मतलब नहीं है किसी की प्रॉब्लम से, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना है, उसको किसी से कोई तकलीफ नहीं है पर फिर भी तकलीफ देना है। वो कुछ लोग होते हैं जो अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, तो डमरू चौबे दूसरों के सुख से दुखी होने वाला किरदार था, तो ऐसे किरदार को थोड़ा अतरंगी बनाने की कोशिश की मैंने, उसका गेटअप भी वैसे ही रखा। पहली बार मैंने किसी फिल्म के लिए राजा बाबू में बाल कटवाए, इतने छोटे बाल, मैं बाल कभी नहीं कटवाता, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, उस फिल्म में पहली बार मैंने इतने छोटे बाल किए, आँख के साथ खिलवाड़ किया, मसा वसा लगाया, नागिन टाइप का कुछ निकाला उसमें धुन। नागिन डांस का रीजन क्या था उसका, क्या इसी घटना घटी थी जो सोच किसकी? वो सोच मेरी ही थी एक्चुअली, और नागिन की मुझे एक्चुअली थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ था मैं इस करेक्टर को लेके, ये जो आइडिया आया था वो मुझे दबंग फिल्म से आया था, कोई टाइप के लड़के बैंड बाजा वगैरह में बहुत नाचते हैं, और नागिन धुन में तो हमारा पूरा हिंदुस्तान नाचता है बाजों में, वो भी बचपन से बहुत नाचा बैंड बाजा में, तो नागिन धुन उसकी कमजोरी है, और उसके बगल वाले के उसमें नागिन धुन रिंगटोन में है, तो जैसे ही नागिन बजती है वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को, और शुरू में लोगों को लगा था, यूनिट को लगा था कि पता नहीं ये आइडिया क्लिक होगा या नहीं होगा, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि ये आइडिया क्लिक करेगा, मेरे डायरेक्टर कॉन्फिडेंट थे, बट बाकी लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये आइडिया कैसा जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं विदाउट
म्यूजिक नाच रहा था, वहाँ नागिन धुन बजती रही थी सेट पे, मैं ही अकेले नाचता था। धुन तो एडिटिंग में आके फिर डबिंग में धुन डाली गई, तब लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो आइडिया टचवुड ऑडियंस को बहुत पसंद आया, ऑडियंस वेट करती है कि कब इसका मोबाइल बजे और ये नाचे वहाँ पे। सर आज के लुक को देख के लग रहा है कि एक बार फिर कुछ नागिन के ऊपर करना? नहीं, नागिन के ऊपर नहीं, नहीं नहीं नहीं, इस ये जो टीका है इसका नागिन से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि करेक्टर नेगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव सिंबल मैंने दिया नहीं इसको। मैं लाल टीका भी लगा सकता था, गोल्ड टीका भी लगा सकता था, बट करेक्टर नेगेटिव है इसलिए लुक को थोड़ा सा नेगेटिव टच देने के लिए ये शेड लिया, और इसका नागिन धुन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं रिपीट नहीं करता अपनी चीज़ों को। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कोई भी करेक्टर मेरा किसी फिल्म में रिपीट ना हो। जिस दिन मैं रिपीट करने लगूंगा उस दिन मैं समझ लूँगा कि मैं चुक गया। अब सर लास्ट दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सर एक बहुत मजबूत बहुत प्यारी फिल्म बन रही है, और भोजपुरी देखें, भोजपुरी को बढ़ावा दें, क्योंकि सिनेमा का एक बहुत बड़ा पक्ष होता है, कला का एक बहुत बड़ा पक्ष होता है कलाकार, और दूसरा सबसे मजबूत पक्ष होता है दर्शक। दर्शक के बिना कलाकार अधूरा है। आप अच्छी फिल्में देखेंगे, अच्छी फिल्मों को सराहेंगे, तभी हम अच्छी फिल्में बनाएंगे। तो उसी कड़ी में एक फिल्म है ये तुम्हारे प्यार की कसम, और उम्मीद है कि ये फिल्म आप सबको बहुत पसंद आएगी।